दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित सॉरी के विस्थापन के नियम के बारे में जानेंगे। कहता है रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित सॉरी के विस्थापन नियम को लिखे। आंसर कहता है हमारा रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित सॉरी के विस्थापन नियम इस प्रकार है। एक नंबर में हम कहता है कि सभी रेडियो एक्टिव विघटन में या तो एक अल्फा कण अथवा एक बीटा कण निकलता है, अर्थात न तो दोनों एक साथ और न प्रत्येक बार में एक से अधिक कण निकलते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन से संबंधित सॉरी के नियम पहला नियम में कहता है कि सभी रेडियो एक्टिव विघटन में या तो एक अल्फा कण अथवा एक बीटा कण निकलता है। जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो या तो एक अल्फा कण या एक बीटा कण निकलता है, अर्थात न तो दोनों एक साथ और न प्रत्येक बार में एक से अधिक कण निकलता है। नंबर दूसरा कहता हमारा अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु बनता है। कहता है कि जब अल्फा कण निकलता है तो नए तत्व का परमाणु बनता है जिसका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या मूल परमाणु की तुलना में क्रमशः 2 इकाई और 4 इकाई से कम हो जाता है। अर्थात हमारा कहता है कि द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाता है और परमाणु संख्या 2 से कम हो जाता है। नंबर तीसरा कहता है बीटा निगेटिव कण अथवा इलेक्ट्रॉन निगेटिव के उत्सर्जित होने पर नए तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक मूल परमाणु की तुलना में 1 इकाई अधिक हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अर्थात कह रहा है कि बीटा अगर ऋणावेशित कण निकलती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित निकलती है, तो नए तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है मूल परमाणु की तुलना में 1 इकाई से अधिक हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे कहता है धनावेशित बीटा कण भी उत्सर्जित होते हैं जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। धनावेशित अर्थात बीटा पॉजिटिव कण के उत्सर्जित होने से नए परमाणु क्रमांक मूल तत्व के परमाणु क्रमांक की अपेक्षा 1 इकाई कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या दोनों की समान होती है। कहता है कि जब बीटा पॉजिटिव कण उत्सर्जित होता है तो नए तत्व का परमाणु जो बनता है उसका परमाणु क्रमांक मूल तत्व के परमाणु क्रमांक की अपेक्षा 1 इकाई कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही समान होता है। कहता है कि बीटा निगेटिव उत्सर्जित हो या बीटा पॉजिटिव उत्सर्जित हो, दोनों ही स्थिति में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो हमारा है ये 1, 2 और 3 ये सॉरी का विस्थापन नियम है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।